then coming back to TV. Then I think again TV, then I did Khatron Ke Khiladi. So I think my journey has, TV ki ladki hoon to TV mujhe acha lagta hai karna. And I always shuffled, aisa nahi hai. Experiment karna bhi bahut acha lagta hai. South mein kiya. Because TV mein aapka itna time chala jata hai, because you know you have your shows running for 1 year, 7 months, 8 months, finite shows hote hai, daily soaps aapke ek dir saal tak chale jate hai, to bahut time lag jata hai. To film mein kaisa hota hai ki aap 45 days ka schedule wrap karte ho, fir aap, you know, you got into another project. मेरा ऐसा हुआ कि मैंने टीवी किया, मैं निकली, फिल्म किया, फिर मेरे को वापस टीवी मिल गया, मैं टीवी पे आ जाती हूँ. सो मेरी वो कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो अभी बस फोकस यही रहेगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ विथ माय वर्क. मैंने ये चाहा था, अब मेरा फोकस वो है कि बस मुझे करियर में आगे निकलना है. पेरेंट्स का आपको बहुत सपोर्ट मिला इसमें, क्योंकि कुछ लोग पेरेंट्स रहते हैं कि यार इतना सामने जा रहे हो, कुछ होगा नहीं होगा, ये भी एक सोच रहती है पेरेंट्स की, कि हमारे बेटे की वो सोच रहती है. तो आपको किस तरीके से पेरेंट्स से सपोर्ट? नहीं, माय पेरेंट्स आर वेरी गुड, ट्रस्ट मी. बीइंग अ गर्ल एंड यू नो, मेरी ये इंडस्ट्री में मेरी कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं है. आई फील मम्मी ने जो एक पुश, मम्मी पापा ने जो एक पुश देना था, आई थिंक दे ऑलवेज सपोर्टेड. मेरी सिस्टर, शी इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव फॉर मी. सो आई थिंक फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था, करो, डू गुड, डू वेल. They've always told me never get into the wrong side, just keep doing good. So I think they've supported me now. अगर मैम आने वाले के प्रोजेक्ट से बात करें, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है हम आपको देख सकते हैं, किसी सीरियल्स में या फिर कोई मूवीज़ में या फिर कोई OTT वेब सीरीज़ में? अभी OTT से निकली हूँ, तो चाहूँगी OTT में वापस आऊँ. बट ऑफकोर्स अपने आप को देखना चाहती हूँ हर जगह, फिल्म में देखना चाहती हूँ, TV पर देखना चाहती हूँ. तो अभी आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द अनाउंसमेंट टू हैपन वेरी सून. समथिंग इज कमिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग. सो या, समथिंग लाइक नागिन शो आप कर रहे हो? आई डोंट नो दैट, नाउ दैट फॉर दैट यू हैव टू वेट. सो एज आई सेड, अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगी. सो मैम अगर देखें तो किस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही, उसके बाद अब शोज़ आपको कहीं ना कहीं मिलने वाले हैं, तो आपको किस तरीके से, आपको किसी, आपको कोई एम है, जैसे कोई आपको ये शो करना है मुझे या फिर वो शो करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई फाइंड जहाँ मैं फिट हूँ, वाई नॉट. मैम अगर जिस तरीके से अगर हम लोग थोड़ी बात भी करते हैं, तो आप शादी की बात आपकी बहुत ज़्यादा इसमें थी सुर्खियों में, तो आप कब करने वाले शादी? शादी बहुत जल्दी होगी. मैं ना बहुत अपने दिमाग में, मैं अपने लाइफ को बहुत प्लान करती हूँ. मुझे ऐसा था कि ये एज में मुझे ये करना है, मेरे करियर को मुझे इतना, फिर ये एज पे मुझे ये था. बिग बॉस भी मेरे लिए इट जस्ट हैपेंड, यू नो. मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि अब मुझे करना है. शादी की भी बात करें तो होगी, ऑफकोर्स बहुत जल्द होगी. कब होगी? अब ये मैं नहीं बोल सकती, बट होगी बहुत जल्द. तो जिस तरीके से सना जी ने हमसे पूरी तरह से बात किया कि जब बिग बॉस स्टार्टिंग की जर्नी से लेकर एंड तक और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात किया. कैमरा पर्सन विष्णु के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़, मुंबई.